नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 मैच शो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान हरीश जी हैं। हम हरीश जी, एक प्रश्न उठा है, जो कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मदरसों को लेकर भाजपा राजनीति कर रही है। जिस प्रकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानून घो ने सभी राज्यों को लिख के दिया है कि वहाँ धार्मिक शिक्षा होती है, इसलिए उसके फंड रोक दिए जाए, वहीं पर महाराष्ट्र की सरकार ने मदरसों में शिक्षकों का 8,000 से वेतन 18,000 कर दिया है। इसको लेकर के अजय राय, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने कहा है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और मदरसों को लेकर के इस प्रकार के उनके आचरण इनकी सांप्रदायिक सोच का नतीजा है। देखिए, प्रारंभ से ही आज़ादी के तत्काल बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने जो वोट बैंक की राजनीति का पाप किया, उसी का नतीजा ये समाज में आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल ही नहीं होने दिया। वो एक वोट बैंक की तरह देखते रहे और तुष्टीकरण की नीति पे काम करते रहे। तो जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती रही, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक दृष्टि से देखती है और निश्चित रूप से ये जो जिस तरह की धार्मिक शिक्षा, जिस तरह की मदरसों में शिक्षा दी जाती है, वह उस पर अनुदान बंद होना चाहिए। क्योंकि किसी भी बच्चे में अगर हेटेड आप सिखाते हैं, दूसरों पर द्वेष की भावना सिखाते हैं, तो ये सरासर गलत है। और बच्चे तो उनकी प्रतिभा को निखारिए, उनके व्यक्तित्व को निखारिए और उनके ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाइए। शिक्षा ये सिखाती है, शिक्षा का मूल मकसद ये होता है। और कोई भी धर्म लोगों के व्यक्तित्व को उदात्त बनाता है। अगर किसी धर्म में इस तरह की शिक्षा है कि दूसरे धर्म के लोगों के प्रति घृणा की भावना भरता हो, हिंसा की भावना भरता हो, तो यह तो अपराध है। गलत ही नहीं बल्कि अपराध है। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों को की निश्चित रूप से फंडिंग बंद होनी चाहिए। एक और बड़ी बात है कि अभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कहा जा रहा है कि जो बहराइच की घटना घटी है, जो कि अब व्यापक रूप ले रही है, सुबह से उस पर काफ़ी खबरें आ रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जो रामगोपाल मिश्रा, जो 22 वर्ष का युवक जिसकी हत्या हुई है गोली लगने से, उसके पीछे वो भाजपा की साजिश का अंदाजा लगा रहा है। देखिए, योगी राज में दंगाई फसादियों को कोई स्थान नहीं है। बहराइच में जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के आला अधिकारी, पुलिस विभाग के आला अधिकारी वहाँ कैंप कर रहे हैं। ADG, LO, DIG, कमिश्नर, सारे अधिकारी वहाँ पे उस घटना को पूरी तरह से नियंत्रण करने और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो भी दोषी होगा इस दंगा फसाद का, वो योगी सरकार में बख्शने की कोई उम्मीद न रखे। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी यही सब राजनीति करती रही और उनको हर इस दंगा फसाद जैसे हिंसा, जिसमें एक युवा की जान गई, उसमें भी अगर उनको वोट बैंक दिखता है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने ये कहा है कि अगर घटना कल घटी बहराइच में, तो रात भर योगी सरकार क्या कर रही थी जो इतना विकराल रूप लेते चली जा रही घटना? कि जो दंगाई हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने त्वरित कदम उठाए, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए, इसीलिए प्रदेश के आला अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। और कांग्रेस हो या सपा, योगी सरकार किसी को दंगा फसाद पे राजनीति करने का अवसर नहीं देगी। पूरा प्रदेश जानता है कि योगी सरकार में दंगा फसाद को कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता माननीय हरीश जी, धन्यवाद।